हम सुनाते हैं, आप सुनिए नई नई कहानियां boltikahani.com पर, और एक एडल्ट सेक्शन भी है। आज ही डाउनलोड करिए मोबाइल ऐप और मजा लीजिए कहानियों का। आज boltikahani.com पर सुनिए एक कॉमेडी कहानी, मार्केटिंग। बीवी के साथ मार्केटिंग को जाना एक सुखद अनुभव है, मतलब अपनी अपनी बीवी के साथ, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, खासकर अगर उनकी बीवी के सामने पूछा जाए तो। मैं और मेरी बीवी मार्केटिंग के लिए गए थे, जैसे कि हमेशा होता है। वो आगे चल रही थी और मैं पीछे चल रहा था। कुछ लेने लायक है क्या, ये मैं देख रहा था। एक दुकान पर लगे एक इश्तेहार ने मेरा ध्यान खींच लिया। लिखा था, लहसुन छीलने का यंत्र सिर्फ 10 रुपए में। यंत्र, इस शब्द ने मेरी उत्सुकता बढ़ाई। वैसे तो आजकल किसी भी बात का यंत्र मिल ही जाता है। दुकान मालिक के पास गया, मैंने उसे वो यंत्र दिखाने के लिए कहा। देखता हूँ तो 6 इंच लंबी और 3 इंच परिधि की एक रबर की ट्यूब थी। मैं उसे उलट पुलट कर देखने लगा। असल में मैं उस यंत्र को शुरू करने का बटन ढूंढ रहा था। अजीब बेवकूफ है। इस आविर्भाव में उस दुकान मालिक ने वो ट्यूब मेरे हाथ से छीन ली। अब वो दुकान मालिक उस यंत्र का मुझे डिमॉन्स्ट्रेशन देने लगा। उसने एक लहसुन ट्यूब में डाला और वो उस ट्यूब को जोर जोर से रगड़ने लगा। अगर इतने जोर से रगड़ो तो साला लहसुन छिलने के बजाय अपना हाथ छिल जाए, और इतने जोर से उस ट्यूब को रगड़ने के बजाय अगर डायरेक्ट लहसुन को रगड़ो तो इतनी देर में कम से कम आधा किलो लहसुन छिल जाएगा। अब अजीब बेवकूफ है। इस आविर्भाव में देखने की बारी मेरी थी। इतने में, अजी देखिए तो, कान के झुमके कैसे लग रहे हैं, बाजू की दुकान से मेरी पत्नी ने कहा। मैं वहां गया। मैं थोड़ा अलर्ट हो गया क्योंकि अब उस दुकान मालिक के मार्केटिंग स्किल से मेरी मार्केटिंग स्किल का सच्चा इम्तिहान था। मैंने उस दुकान मालिक से दाम पूछा। 200 रुपये आप हैं इसीलिए 150 में देंगे, उसने कहा। आप हैं इसलिए, मैंने उसे घूर कर देखा। मैं उसे नहीं जानता था। हो सकता है वो मुझे जानता हो, शायद उसने मेरे मन की बात भांप ली। पिछली बार भी मैंने आपसे ज्यादा पैसे नहीं लिए थे, उसने कहा। वो मुझे कितना जानता है ये मैं समझ गया, क्योंकि मैं पहली बार उसकी दुकान में गया था। लेकिन उसने वो बात इतने कॉन्फिडेंस से कही थी कि उसे कुछ कहने के बजाय मैंने ही अपने आप को समझाया कि शायद गलती से वो मुझे कोई और समझ रहा हो। बात झुमकों की बोलूं तो वो झुमके खरीदने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। अब तक के अनुभव से मैं अपनी बीवी की मानसिकता अच्छी तरह से समझ चुका था। मैं अगर झुमकों को खराब कहूं तो वो उसे ज़रूर खरीदेगी। इसलिए मैंने कहा, बहुत अच्छे हैं, कसम से आपको बहुत जचेंगे। ठीक है, मेरी बहन के लिए भी एक पेयर पैक कर देना, उसने मुझे पैसे चुकाने के लिए इशारा करते हुए कहा। अब करने लायक कुछ नहीं बचा था। चुपचाप पैसे निकालकर मैंने दुकान मालिक को दे दिए। शायद मेरी बीवी की मानसिकता पहचानने में मैंने देर लगा दी थी। उसकी मानसिकता पहचानने के पहले उसने मेरी मानसिकता पहचान ली थी। एक जगह रास्ते के किनारे एक ज्योतिष बैठा था। वहां हमारा पत्थर पहनिए और अपना भविष्य बदलिए, ऐसा बोर्ड लगा हुआ था। मेरी पत्नी ने मुझसे उसके पास चलने का आग्रह किया। आग्रह कैसा, हट किया। असल में वो हट के सुनहरे मुलायम कपड़े में लपेटी हुई मीठी धमकी थी। मैं उसे समझा बुझाने की कोशिश करने लगा। यहां समझा बुझाने के बजाय सिर्फ बुझाना ज्यादा तर्कसंगत लगता है। देखो, वो रास्ते पर बैठने वाला ज्योतिषी, पहले तो भविष्य बदलने की जरूरत उसको खुद को है। खुद अपना भविष्य बदल नहीं सकता, वो हमारा भविष्य क्या बदलेगा। हाँ, तुम्हारे होते हुए ना, वैसे भी हमारा भविष्य बदलने से रहा, वो तन कर बोली। आगे वो कुछ नहीं बोली। वैसे इतना कुछ बोलने के बाद आगे बोलने को और बचा क्या था।
शायद उसने अपना हट छोड़ दिया था या फिर उसे मेरी बात जची नहीं थी। सच्चाई घर जाकर ही पता चलनी थी। फिर हम बस स्टॉप पर चले गए। बेंच पर बैठकर हम सिटी बस की राह देखने लगे। एक लंगड़ा अंधा भिखारी गाना गाकर पैसे मांग रहा था। सबको उस पर दया आने लगी। बहुत लोगों ने उसे पैसे दिए, इसीलिए मैंने भी दिए, और मैंने दिए इसीलिए हमारे बाजू वाले ने भी दिए। नेबर टेंडेंसी। पड़ोसी ने गाड़ी ली ना, फिर मैं भी लेता हूँ, ऐसे। उसके लिए भले ही कर्ज में डूबने की नौबत क्यों ना आए। थोड़ी देर में एक और भिखारी मेरी माँ बीमार है कहते हुए हाथ फैलाने लगा। उसको किसी ने भी पैसे नहीं दिए, इसलिए मैंने भी नहीं दिए, और मैंने नहीं दिए इसलिए हमारे बाजू वाले ने भी नहीं दिए। वो गया नहीं कि उसके पीछे वे तालियां बजाने वाले आ गए। तृतीयपंथी। उनको पैसे ना देने की किसकी हिम्मत। सब लोगों ने चुपचाप उसे पैसे दे दिए। नहीं दोगे तो सीधा जेब में हाथ डालकर पैसे निकालने की उनकी मजा। वैसे पैसे निकालने के लिए वे सामने वाला आदमी देखकर अलग अलग नुस्खे अपनाते हैं। ये चिकने देना, किसी के गाल को हाथ लगाएंगे, या फिर ए भीड़ू देना कहकर कहीं और हाथ लगाएंगे। यहां अगर ज्यादा देर बैठे तो थोड़ी देर बाद कहीं हमें ही भीख मांगने की नौबत ना आ जाए। मैंने मेरी पत्नी से उसके सामने हाथ फैलाने की चेष्टा करते हुए मजाक में कहा। ऐसे मजाक की हवा निकालकर उसे कैसे भद्दा बनाना तो कोई मेरी बीवी से सीखे। अपने गंभीर चेहरे को और गंभीर बनाते हुए झट से उसने अपने पर्स से अठन्नी निकाली और सब बैठे हुए लोगों के सामने मेरे फैलाए हुए हाथ पर दे मारी। भिखारियों से बचने के लिए मैं बगल के एक स्टॉल पर गया। वहां सामने एक शायद किसी खाने की चीज का पैकेट लटका हुआ था। उस पर लिखा हुआ था, अब पहले से बढ़िया स्वाद में। स्वाद और वो भी बढ़िया। मेरे ना मुंह में पानी आ गया। मैंने पूछा, क्या है? उसने रूखे स्वर में कहा, कुत्ते का बिस्किट। मेरे मुंह का पानी उल्टे पांव लौट गया। कुत्ते का बिस्कुट, अब पहले से बढ़िया स्वाद में। अब इसके पहले के स्वाद में और अब के स्वाद में फर्क है या नहीं, ये देखने के लिए या तो आदमी को कुत्ता बनना पड़ेगा या फिर कुत्ते को पढ़ना लिखना सीखना पड़ेगा। अजी सुनिए, गाड़ी आ गई, नहीं तो हमेशा की तरह। श्रीमती जी की आवाज आई। उसने आगे भी कुछ कहा, वो मुझे सुनाई दिया नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि वो मैंने जानबूझकर सुना ही नहीं। हमेशा की तरह, आदत के अनुसार। आज ऑफिस जाने के लिए घर से थोड़ा जल्दी ही बाहर निकला, लेकिन एक आफत से छुटकारा पाओ तो वो दूसरा रूप अख्तियार कर लेती है। इसका मुझे थोड़ी ही देर में साक्षात्कार हुआ। बस आने के लिए आधा घंटा बाकी था। अब क्या किया जाए, सोचते सोचते याद आ गया, टाइम पास करने के लिए मार्केटिंग से अच्छा दूसरा कोई तरीका नहीं। कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, सिर्फ पूछताछ करते रहो। किसी प्रसिद्ध लेखक ने किताब में लिख रखा है। फिर क्या, अगल बगल में देखा, बिना कुछ सोचे मैं एक दुकान में घुस गया। दुकान मालिक ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ मेरा स्वागत किया। वहां लटकी हुई चीजें मैं देखने लगा, लेकिन बहुत देर से सिर्फ मैं चीजें निहार रहा हूं। ये देखकर उस दुकान मालिक की मुस्कुराहट ने अपना उग्र रूप अख्तियार कर लिया। क्या चाहिए साहब, उसने पूछा। फिर भी मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूं, ये देखकर वो बोला, जल्दी बोलो साहब, सुबह सुबह टाइम खोटी मत करो। अब पानी सर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए मैंने वहां लटके एक छाते का सहारा लिया। कितने का है, मैंने उस छाते को छूकर पूछा। 200 रुपए। मैंने अब छाता हाथ में लेकर निहारना शुरू किया। दुकान मालिक अंदर चला गया और उसकी जगह उसका नौकर आकर खड़ा हो गया। मैंने उस नौकर से पूछा, इसमें वो अलग अलग रंग के होते हैं ना? कुछ ना बोलते हुए वो स्वयं चलित खिलौने जैसा अंदर गया और 4-5 रंग के छाते ले आया। मैंने कहा, लेकिन इस पर सफेद रंग का डिजाइन भी तो होता है। हाँ होता है, लेकिन हमारे पास का वो माल खत्म हो गया है,
नौकर ने कहा। मैंने चैन की सांस ली। चलो यहाँ से खिसकने का ये अच्छा बहाना है। दुकान से जाने के लिए पलटा तो अंदर से दुकान मालिक की आवाज़ आई। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, मुझे नीले कलर का उस पर सफ़ेद डिज़ाइन वाला छाता चाहिए था, लेकिन आपके यहाँ नहीं है शायद। कौन बोलता है नहीं है? वो नौकर पे चिल्लाया। लेकिन नौकर वहाँ नहीं था, वो शायद अंदर गया था। उसने नौकर को आवाज़ दी, टॉमी। पता नहीं इतने देर में नौकर कहाँ गायब हो गया था। उसने गुस्से से नौकर को आवाज़ दी, कहाँ मर गया टॉमी? गली में घूमता हुआ एक आवारा कुत्ता दौड़ते हुए वहां आ गया। कुत्ते को देखकर तो दुकान मालिक को और भी गुस्सा आया। उसने वहां बैठे हुए दूसरे एक लड़के को पास में बुलाया, शायद वो उसका नया ट्रेनी नौकर था। बगल की दुकान से ब्लू कलर के और सफेद डिजाइन वाले 4-5 पीस लेके आना, जल्दी, मालिक ने आदेश दिया। वो लड़का हिंदी में शायद थोड़ा कच्चा था, इसका ज्ञान हमें थोड़ी देर में हुआ। उसको दुकान मालिक ने जो भी कहा बराबर समझ नहीं आया, लेकिन गुस्साए हुए दुकान मालिक से पूछने की उसकी हिम्मत भी नहीं बनी। वो भागते हुए वहां से 2-4 दुकान छोड़कर चला गया। उसको वहां एक सलून की दुकान दिखाई दी। उसने अपना दिमाग लगाया, बगल की दुकान यानी बगल साफ करने की सलून की दुकान। उसको डाउट आया भी कि यहाँ छाते कैसे होंगे, लेकिन मालिक ने कहा तो ज़रूर होंगे। वो अंदर चला गया। अब उसने सलून वाले से छाते मांगने के बाद क्या हुआ होगा, इसकी कल्पना करना ही अच्छा है। ये सब कहानी तब मालूम चली जब वो नौकर अपना दायां गाल सहलाते हुए वापस आया। इतने में दौड़ते हुए वो पहलवान नौकर वहां आ गया। कहाँ मर गया था कुत्ते? इतनी देर से जो दुकान मालिक को बड़ी आशा से निहार रहा था वो कुत्ता दुम दबाकर भाग गया। वो शर्मा जी की दुकान से ब्लू कलर के और सफ़ेद डिज़ाइन वाले 4-5 पीस ले गया, कहते हुए मालिक ने उसे दौड़ाया। नौकर दौड़ता हुआ चला गया। मैं अब वहाँ से खिसकने का दूसरा बहाना ढूंढने लगा। मैंने कहा, अगर टाइम लगता है तो रहने दो, मैं बाद में कभी आऊँगा। वैसे भी बारिश को अभी बहुत टाइम है। टाइम का एक साहब, 2 मिनट का काम है, उसने लगभग मेरी कलाई पकड़ते हुए कहा। अब तो भागने का चांस ही नहीं था। वो नौकर दौड़ते हुए छाते ले आया। उसने सब छाते मेरे सामने टेबल पर पटके। मुझे यकीन है कि उसने पटकते वक्त उस टेबल को ज़रूर मेरा सर समझा होगा और छातों के बंडल को उस दुकान मालिक का सर। उनमें से एक लेकर मैंने पूछा, ये कितने का है? उसने वो छाता उलट पुलट कर देखा। एक जगह कुछ तो लिखा हुआ था। उसके साथ मैं भी पढ़ने की कोशिश करने लगा। एक जगह कुछ 1625 ऐसा लिखा हुआ देखकर तो मेरी धड़कन ही तेज हो गई। 250 रुपये, दुकान मालिक ने झट से कहा। मैं गौर करके देखने लगा कि 250 कहाँ लिखा है। 250 कहीं भी नहीं लिखा था। फिर मैं मन ही मन 1625 को 2 से 3 से 4 से डिवाइड करने की कोशिश करने लगा। जितनी मुझे आती थी उतनी सारी गणित प्रक्रिया मैंने 1625 पर करके देखी, लेकिन किसी भी सूरत में 250 आने का नाम ही नहीं ले रहा था। शायद मेरी ही गणित कच्ची रही हो। इतने में एक दूसरे कस्टमर से दुकान मालिक का ध्यान बट गया तो मैं इस छाते को वहाँ वैसा ही रखकर वहाँ से खिसकने लगा। पीछे से दुकान मालिक की आवाज़ आई, अब क्या हुआ? मैंने जाते जाते पलट कर कहा, महंगा है। अरे तो आप बोलिए ना, आपको कितने में चाहिए? उसने कहा, जाने दो, मुझे लेना ही नहीं, मेरे मुंह से निकल गया। ये सुनते ही दुकान मालिक आग बबूला हो गया। वो गुस्से से बोला, अरे ऐसे कैसे लेने का नहीं? इतनी देर से हमारा टाइम खाया और अब बोलता है लेने का नहीं? इस दुकान को क्या बगीचा समझ रखा है? बैठे तो बैठे, नहीं तो चले गए। मैंने फिर अपने आप को संभालते हुए कहा, लेकिन बहुत महंगा है। तो तुम बोलो ना कितने में चाहिए, देखूं तो तुम्हारी हैसियत क्या है। वो आप से तुम पर आ गया था। मैंने डरते हुए आजू बाजू देखा, आखिर इज्जत का और हैसियत का सवाल था। मैंने धीमे से कहा,
75 में दे दूं। बुरा सा मुंह बनाकर वो बोला, 75 रुपए या पैसे? 75 रुपए, मेरे गले से अटकती हुई आवाज आई। वो गुस्से से छाते बटोरने लगा। वो आगे कुछ कहकर मेरा और अपमान न कर दे, इसके लिए मैं जाने के लिए मुड़ा। ए रुक, जाता किधर है? वो तुच्छता से बोला। ये ले, सुबह सुबह बोनी का टाइम है इसलिए, नहीं तो 75 रुपए में इसका डंडा भी नहीं आता। वैसे भी हम सुबह भिखारी को भी खाली जाने नहीं देते। ऐसा कहते हुए उसने वो छाता लगभग मेरी ओर फेंक दिया। मैंने क्रिकेट की चपलता से उस छाते को कैच किया। कैच भी मैंने ही किया और आउट भी मैं ही हुआ। चुपचाप 75 रुपए निकालकर दुकान मालिक के हाथ में थमा दिए और अपने मस्तक का पसीना पोंछते हुए दुकान से बाहर निकला। असल में पसीना पोंछने से अपने चेहरे के भाव छुपाने की ज़रूरत मुझे ज़्यादा महसूस हुई थी। एग्रेसिव मार्केटिंग किसे कहते हैं, वो आज मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया था। उस दुकान से बाहर निकलते वक्त बाहर सामने एक जूते की दुकान दिखी। वहां बोर्ड लगा था, एक के ऊपर एक फ्री। अब दाएं जूते के ऊपर बायां जूता फ्री, या फिर बाएं जूते के ऊपर दायां जूता फ्री, या फिर एक पैर के साथ दूसरा पैर फ्री, ये उस दुकान मालिक को पूछने की मेरी प्रबल इच्छा हुई। लेकिन अभी अभी आए ताजा अनुभव से मेरी दुकान में जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। रास्ते से जाते हुए अपनी जेब छिपाने के लिए उस छाते को कभी जेब में तो कभी कॉलर में लटकाने की कोशिश करने लगा। गले में लटकाते हुए एक विचार मेरे मन में आया, अरे ये तो ज़बरदस्ती गले पड़ा हुआ छाता है, इसको गले में लटकाने की क्या ज़रूरत। अनायास ही एक पतली गली में मेरा ध्यान गया। वहाँ कोने में उस दिन मिला अंधा लंगड़ा भिखारी मस्त खड़ा होकर सिगार पीता हुआ दिखाई दिया। इसका मतलब वो लंगड़ा नहीं था और शायद अंधा भी नहीं था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, उसने हम सबको उल्लू बनाया था। उल्लू सी सूरत लेकर मैं थोड़ा और आगे निकल गया। वहां रास्ते के किनारे लोगों की भीड़ जमा हुई थी। कभी कभी भीड़ ऐसे ही जमा हो जाती है, दो लोग जमा हो जाते हैं, वे दो क्यों जमा हुए हैं ये देखने के लिए, और तीन आ जाते हैं और तीन के पीछे और छह। ऐसे ही मैं भी भीड़ में घुस गया। देखता हूँ तो उस दिन मेरा दूसरा भिखारी, जो मेरी माँ बीमार है कहकर भीख मांग रहा था, वो किसी वृद्ध महिला का सर अपने गोद में लेकर जोर जोर से रो रहा था। वो महिला मर गई थी, शायद उसकी माँ थी। उस दिन कितनी विवशता से पैसे मांग रहा था बेचारा, उसको कोई समझ नहीं पाया। या फिर वो अपनी ज़रूरत की ठीक ढंग से मार्केटिंग नहीं कर पाया था। इतने में वो दूसरा झूठा लंगड़ा अंधा भिखारी लंगड़ाता हुआ वहां आया। उसके मौके की नज़ाकत को पहचानने की काबिलियत तो देखो, झट से उसने एक कैप उल्टी की और लड़खड़ाता हुआ, इसकी माँ को जलाने के पैसे दो करके भीख मांगने लगा। ही इज अ परफेक्ट मार्केटिंग मैन। यहां अगर कोई मार्केटिंग के लोग बैठे हो तो माफ कर देना भाई। मैं और मेरी बीवी मार्केटिंग निपटाकर घर लौट रहे थे। उस भिखारी की माँ को मरे हुए 7 या 8 दिन हो गए होंगे, तो भी वो चित्र मेरी आंखों के सामने से हटते नहीं हट रहा था। उस झूठे लंगड़े अंधे भिखारी ने सबको बेवकूफ बनाया था। जिसे असली जरूरत थी उसको किसी ने भी पैसे नहीं दिए। आज इस भड़कीले एडवर्टाइजिंग, भड़कीले मार्केटिंग के युग में क्या सचमुच अपनी समझ खत्म होती जा रही है? मैं अपनी सोच में डूबा चला जा रहा था। वो कॉफी सेट बहुत सुंदर था ना, मेरी बीवी ने मेरे विचारों की श्रृंखला को तोड़ा। मैं भी अपने आप को नॉर्मल बताने के प्रयास में मजाक पर उतर आया, हाँ बहुत ही सुंदर था। लेकिन एक चीज उस कॉफी सेट की सुंदरता बिगाड़ रही थी। कौन सी? उस पर लगा हुआ प्राइस टैग। थोड़ी देर अंधेरे में हम चुपचाप ही चलते रहे। उधर देखो, उधर गली में, मेरी पत्नी एक गली की ओर निर्देश करते हुए बोली। मैंने उत्सुकतावश उस गली में देखा जहां उस दिन वो झूठा लंगड़ा भिखारी मजे से सिगार पी रहा था। आज वहां दो लोग थे, वो झूठा लंगड़ा अंधा भिखारी और दूसरा जिसकी माँ मरी थी। वो दोनों मजे से मस्त होकर सिगार पी रहे थे। जिसकी माँ मर गई थी वो एक हाथ से सिगार पी रहा था और दूसरे हाथ से
किसी राजा की तरह पैसे गिन रहा था। शायद वो मार्केटिंग सीख गया था। हम सुनाते हैं और आप सुनिए मज़ेदार कहानियाँ और कविताएँ सिर्फ बोलती कहानी .com पर। डाउनलोड करें मोबाइल ऐप और मज़ा लें इन कहानियों और कविताओं का। हम सुनाते हैं, आप सुनिए नई नई कहानियां बोलती कहानी .com पर। और एक एडल्ट सेक्शन भी है, आज ही डाउनलोड करिए मोबाइल ऐप और मजा लीजिए कहानियों का।